इन दिनों पूरे देश की नजर बिहार की सियासत पर टिकी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सूबे की राजनीति में ऐसा हो रहा है जो अमूमन बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपनी इफ्तार पार्टी में मुख्य विपक्षी दल यानी आरजेडी नेता लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को इफ्तार पार्टी की दावत पर बुलाया है। इसके लिए बकायदा न्योता भेजा है। कई लोगों का इसको लेकर मानना है कि अब ईद से पहले प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनने की हवा तेज हो गई है। दरअसल सूबे में इन दिनों दावते इफ्तार की सियासत चल रही है। पिछले कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को राबड़ी देवी ने अपने आवास पर हुई इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के कई सीनियर नेताओं को बुलाया था, जिसमें मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। अब नीतीश कुमार ने लालू यादव परिवार को अपनी पार्टी में बुलाकर रिटर्न गिफ्ट देते हुए सबको चौंका दिया है। बता दें कि नीतीश की पार्टी की तरफ से 28 अप्रैल को दावते इफ्तार दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के कई दलों के नेताओं को बुलाया गया है। वहीं इस दावत में खास तौर पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को भी आने का न्योता दिया गया है। इस दावत में लालू परिवार के अलावा जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी जैसे बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है। अब देखना होगा कि यह दावत पार्टी सियासत की किस करवट बैठती है। वहीं राजनीतिक जानकार इस दावत इफ्तार के बहाने राज्य में नए समीकरण के संकेत की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लालू यादव के बड़े बेटे और राजद नेता तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा कि इफ्तार पार्टी के बाद सरकार बनाएंगे, खेल होगा, हमारी नीतीश जी से सीक्रेट डील हुई है, हमने नीतीश कुमार के लिए पहले नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, लेकिन अब उन्हें हमने एंट्री दे दी है। राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेताओं का कोई भी कदम बेमतलब नहीं होता है। यह कहना जल्दबाजी होगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार अपने इन कदमों से बीजेपी को एक स्ट्रांग मैसेज जरूर देना चाहते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।